तो सबसे बड़ी जो मेजर गलती करते हैं बहुत से बिगनर्स, या तो वो जब अपना बेंच प्रेस पे लेटते हैं बहुत ज्यादा पीछे की तरफ निकल जाते हैं या वो बहुत ज्यादा आगे आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ माजिद अली। आज हम बात करेंगे कि बेंच प्रेस के सही लगाने का तरीका क्या है, बिकॉज बहुत से लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और जिसकी वजह से उनको इंजरीज हो जाती हैं। स्पेशली बिगनर्स जो हैं, बिगनर्स बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं और परफेक्ट तरीका क्या है। सबसे पहले जब भी हमने चेस्ट वर्कआउट करना है, स्पेशली बेंच प्रेस का जो इस्तेमाल किया जाता है, आपने सबसे पहले क्या करना है, वार्म अप करना है। वार्म अप के लिए आप पुशअप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पुशअप के बाद आपने कोशिश करनी है कि बार जो है वो आपने फ्री वेट लेना है, फ्री वेट बार को आपने इस्तेमाल करना है लाइक दिस। आप अगर ग्रिप करते हैं, ग्रिप आपने ग्रिप देखें, इस तरह से आपने ग्रिप बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि किसी भी वक्त जब आप वेट का इस्तेमाल करके इसको लिफ्ट करेंगे तो आपका हाथ स्लिप हो सकता है, जिससे आपको बहुत बुरी इंजरी हो सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसकी फुल ग्रिप करेंगे इस तरह से। तो सबसे बड़ी जो मेजर गलती करते हैं बहुत से बिगनर्स, या तो वो जब अपना बेंच प्रेस पे लेटते हैं बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ निकल जाते हैं या वो बहुत ज़्यादा आगे आ जाते हैं। जब उन्होंने वेट को उठाना होता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है और जिसके वजह से उनके रोटेटिंग कफ में इंजरी हो सकती है। तो परफेक्ट तरीका जो है, परफेक्ट तरीका इसमें आपने कोशिश करनी है कि आपकी आइज जो है बिल्कुल बार के बिल्कुल नीचे आनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। यही परफेक्ट इसका तरीका है, इसका एंगल है। और जब आपने उठाना है, आपने ग्रिप जो है, ग्रिप अपनी कंप्लीट करनी है इस तरह से, और इसके साथ ही आपने जब लिफ्ट करना है तो अपनी चेस्ट के निप्पल्स के सेंटर में, मतलब आपकी चेस्ट के सेंटर में बाहर आना चाहिए। देन आप इजीली इसको लिफ्ट कर सकते हैं और आपके मसल जो है अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और एक यहाँ पर गलती और करते हैं लड़के कि जब वेट लिफ्ट करते हैं कोशिश करते हैं कि फुली 90 एंगल पे नहीं रखनी, इससे आपका रोटेटिंग कफ इंजर हो सकता है। आपने 75 डिग्री पे रखना लाइक दिस, ये आपकी रोटेटिंग कफ से आपकी ग्रिप जो है जब मूव करेंगे तो ये आएगा इस तरह से। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको मिस्टेक्स जो आपकी तरफ से होती हैं और आपको सही तरीका हमने मेंशन किया। तो होपफुली आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।